हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही अच्छा एक लेडीज स्पेशल एपिसोड लेके आई हूँ। लेडीज एंड मेरी बहुत मतलब मेरी बड़ी बड़ी बहनें, और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। इससे पहले भी मैंने जो इस टॉपिक पे बात की थी तो काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया था, काफ़ी लोगों ने उसे यूज़ भी किया, मेरे पास रिव्यू भी भेजे कि काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ बात की थी जो मैंने यूज़ किया, पहले मैंने आप लोगों से बात की थी मेनिस्ट्रॉल कप की। जी हाँ, वो जो मैं बोल रही थी कि मैं यूज़ करती हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। लेकिन वही बात है ना कि तकनीक आपको कहाँ ना पहुँचा दे। और जैसे पहले हम रेडियो यूज़ करते थे और फिर उसके बाद एक इतना कीपैड वाला मोबाइल यूज़ करते थे, देन उसके बाद स्मार्टफोन आ गया, फिर अब मतलब बहुत स्मार्ट सैमसंग की देखिए सीरीज निकल रही है 10-10 करके, 10 सैमसंग 10 और ये सब। उसी तरह से इस चीज़ ने भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। पहले लोग कपड़ा यूज़ करते थे, देन उसके बाद सैनिटरी पैड्स पे आए, सैनिटरी पैड्स पे भी बहुत सारी वैरायटी चल गई, अल्ट्रा नाई और ये फलाना ढिमाका। उसके बाद मेंस्ट्रुअल कप आए, लेकिन उससे भी बढ़कर अब एक चीज़ आ गई है, टैम्पॉन। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन वो समझ जानते नहीं हैं कि इसे यूज़ कैसे करते हैं, इसका क्या काम है, क्या ये कैसी चीज़ है। तो जी हाँ, आज मैं आपके लिए बात करने आई हूँ, टैम्पॉन से पूरे रिलेटेड बात करने आई हूँ। जो लोग भी घबराते हैं या जो लड़कियाँ टैम्पॉन यूज़ करना चाहती हैं लेकिन आधी इन्फॉर्मेशन की वजह से वो इसे यूज़ नहीं करती। देखिए टैम्पॉन क्या है, टैम्पॉन अभी इतना ईजिली इतना क्या वो अभी आपको मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगा, जैसे सैनिटरी पैड्स मिल जाते हैं वैसे आपको ये टैम्पॉन नहीं मिलेगा, मैंने स्टॉल अपने मिलेगा, ये सिर्फ ऑनलाइन मिलता है। और लोग थोड़ा सा हिचकते हैं इसे लेने में, जैसे ये इजिली अगर मेडिकल स्टोर पर मिलने लगे तो लोग ले। आज मैं टैम्पॉन के बारे में आपको इसलिए बताने आई हूँ क्योंकि मुझसे बहुत सारी ऐसी मेरी फ्रेंड्स हैं जो ट्रैवल करती हैं या फिर जो जॉब में हैं या फिर जो घर में हैं, और कभी कभी उनके साथ चांस ऐसा आ जाता है कि उनके फ्रेंड्स या कहीं फैमिली में वोकेशन पे, जैसे मई जून आ रहा है सब वोकेशन पे जाएंगे तो स्विमिंग और ये सब, तो और उनके पीरियड्स की डेट आ जाती है। तो इसी के लिए थोड़ा सा स्पेशल इसीलिए भी है क्योंकि वोकेशन है और समर वोकेशंस हैं, आप घूमने जाओगे और पीरियड्स आपके घूमने में बिल्कुल भी आड़े ना आए। तो एक ऐसी चीज़ मैं लेके आई हूँ कि आप टैम्पॉन का यूज़ करिए, फ्री होके घूमिए, आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे क्या है, मुझे पीरियड्स हुआ है। आप इसमें स्विमिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इससे पहले जो मेनिस्ट्रॉल कप के बारे में बताया था, मेरे पास कुछ लोगों का ऐसी चीज़ आई थी कि मुझे डर लगता है इसे यूज़ करने में। अगर आपको मेनिस्ट्रॉल यूज़ करने में डर लगता है तो आप टैम्पॉन का यूज़ करिए। और टैम्पॉन कैसा है अभी मैं फुल रिव्यू दूंगी, कैसे इसे यूज़ करना है, कैसे क्या करना है। देखिए जिस तरह आप मेनिस्ट्रॉल कप अपने वजाइना में इंसर्ट करते हो सेम उसी तरह आपको इसे भी इंसर्ट करना है। लेकिन मेनिस्ट्रॉल कप आपको देखने में थोड़ा सा हैवी लगता है और आप सोचते हो कैसे, लेकिन ये जो टैम्पॉन्स हैं ये टैम्पॉन्स बहुत ही छोटे से होते हैं और आप सोचेंगे कि मतलब बहुत ही ईजिली ये इस तरह से कुछ आता है, ये पूरा नहीं जाएगा, ये इसका एप्लीकेटर है। मैं अभी बताऊंगी कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है। और एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये हमारा पूरा जो है एक लेडीज़ का पूरा सिस्टम होता है और यहाँ से हमारा पीरियड हमारे थ्रू आता है, हमारी पैंटी में गिरता है, ये स्पेस इतना जगह खाली होता है जहाँ पे हम मेनिस्ट्रॉल कप रखते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह हम इस को भी यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जाके बिल्कुल चिपक जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है। आप ऐसे करोगे, ऐसे दो उंगली से पकड़ोगे और उसे अपने वजाइना पे यहाँ पे रखोगे और आपको क्या करना है, इसे ऐसे प्रेस करना है। जैसे मान लीजिए आपने दोनों हाथ से जब आप प्रेस करोगे तो ऐसे निकलेगा, ठीक है, पूरा प्रेस करके। उसके बाद ये चीज़ निकल के, ये चीज़ इसका एप्लीकेटर है, ये यहाँ पे सट जाएगा बिल्कुल, ये यहाँ पे जो हमारा वजाइनल लिप होता है यहाँ पे बिल्कुल इंसर्ट हो जाएगा। क्या करेगा, जब भी हमारा पीरियड सर्कल स्टार्ट होगा यहाँ से क्या होगा, हमारा पीरियड इस पे गिरता रहेगा। और इसके बाद ये क्या होता है, ये यहाँ पे थोड़ा सा फूल जाता है पूरा, इतना ज़्यादा ये यहाँ पे अटैच रहता है। और ये जो है ये नीचे, ये भी थोड़ा सा और अंदर जाएगा और ये नीचे ऐसे लटका रहेगा ताकि आप इसे फ्री होकर निकाल सके, और पूरा यहाँ पे रहेगा और पूरा इसी पे गिरता रहेगा और ये फूल जाएगा, मतलब पूरा ये सोख लेगा, बिल्कुल भी लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करेगा। अब आप सोचोगे कि ये कहीं हमारी वजाइना में खो ना जाए, तो बिल्कुल नहीं खोएगा, बिकॉज इस एरिया को आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे सिर्फ हमारा जो है सीमन जाने का रास्ता।
बड़ा होता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं जा सकता है, ये इतना छोटा सा स्पेस होता है, तो इसके अंदर बिल्कुल भी मत घबराइए कि ये जाके वेजाइना में खो जाएगा, बिल्कुल भी खोने वाला नहीं है। तो इस तरह से ये अप्लीकेटर के साथ आता है, ये इसलिए आता है ताकि 4-5 घंटे बाद जब ये आपका भर जाए आप इसे तुरंत नीचे खींच लीजिए, नीचे खींच के आप इसे पेपर में लपेट के फेंक दीजिए। तो ये इस तरह से यूज होता है ये इसका अप्लीकेटर, इसको आप फेंक दीजिए। तो मतलब कि लोग टैम्पोन के बारे में सोच रहे थे कि मैं यूज करूँ कि नहीं यूज करूँ, मैंने भी पर्सनली इसी बार टैम्पोन यूज किया और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुझे अब पीरियड्स के, जैसे मैंने जो मेनस्ट्रॉल कप भी यूज किया, लेकिन मेनस्ट्रॉल कप से भी ज्यादा मुझे ये अच्छा लगा टैम्पोन। और यू नो के एवरटीन जो है वो हमेशा से ही नेचुरल प्रोडक्ट बनाती है, इसके प्रोडक्ट में कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं होती है। मतलब आप इनका कोई भी प्रोडक्ट यूज करोगे, कलौंजी ऑयल यूज करोगे, उसमें कलौंजी की स्मेल आएगी, ना ही कोई वो परफ्यूम या एक्स्ट्रा कुछ भी डालते हैं। सेम इसी तरह ये है, मैंने इसलिए इस प्रोडक्ट को चुना क्योंकि बहुत सारे टैम्पोन्स मार्केट में थे, उसमें जैसे ये फ्रेग्रेंस के साथ, वो फ्रेग्रेंस के साथ काफी महंगे, ये मुझे थोड़ा सा अफोर्डेबल लगा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही थी। तो ये होता है कि आप इतना महंगा लेके नहीं यूज करोगे, तो ये थोड़ा सा अफोर्डेबल था, मैंने इसीलिए इसे मंगवाया और यूज किया। मतलब पता ही नहीं चला कि मुझे क्या है कि मेरे पीरियड्स हुए हैं। पहले दूसरे दिन आपको शायद थोड़ी सी घबराहट हुई और फर्स्ट डे आपको हल्का सा दर्द हो, और इतना सा दर्द हो जैसे आपको कोई न्यू पिंच नहीं करता है, न्यू पिंच से भी बहुत लाइट सा आपको दर्द हो, मे बी फर्स्ट डे होगा, सेकंड डे से आपको वो भी नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट डे आप कोई चीज इंसर्ट कर रहे हो। तो ये इस तरह सा है। चलिए मैं एक छोटा सा डेमो देती हूँ आपको, और मैं मतलब बता नहीं सकती कि ये क्या चीज आपको मिल गई है और इतनी छोटी सी चीज आपके वेजाइना में जाने वाली है। मैं पर्सनली यूज कर रही हूँ, जैसे लोग होता नहीं है कि यार तुम ये चीज खरीदो और देखो अगर अच्छा लगेगा तो ही मैं खरीदूंगी वरना नहीं, तो वही चीज मैं बता रही हूँ कि मैंने ये चीज ली, यूज की, उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ सजेस्ट कर रही हूँ कि ये चीज लीजिए, यूज करिए और देखिए कितना ज्यादा अच्छा है। एक छोटा सा रिव्यू देती हूँ और देखती हूँ, अब आपको लग रहा होगा कि ये कहीं लीकेज ना हो, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से जब इसके ऊपर कुछ पानी पड़ता है तो ये कैसे फूलता है। और ये पूरा क्या होता है, हमारी वेजाइना में आपने देखा होगा जो भी मांसपेशियां होती है वो फैलती हैं, तो क्या होगा वो फैल जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो फैलेगा नहीं आपको दर्द होगा, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। तो चलिए इसका छोटा सा डेमो आपको दिखाती हूँ, क्या कैसे यूज करना है वो भी बता। तो फ्रेंड्स ये हमें इस तरह के एक पैकेट में मिलता है जो विद अप्लीकेटर होता है। सबसे खास बात एवरटीन के टैम्पॉन की यही है कि ये हमें अप्लीकेटर के साथ मिलता है। मार्केट में बहुत सारे टैम्पॉन्स ईजिली अवेलेबल हैं लेकिन उनके साथ अप्लीकेटर नहीं होता है। मैं इसका रेट भी आपको बताना चाहूँगी, इसका जो रेट है वो है, इसका रेट जो है वो 359 रुपीज़ है। सबसे अफोर्डेबल है, आप चाहे मार्केट में जाके चेक कर, मार्केट में तो आपको मिलेगा ही नहीं, ऑनलाइन अगर आप चेक भी करोगे तो विद अप्लीकेटर आपको ऐसे नहीं मिलने वाला। बहुत सारे मैं यूज़ भी कर चुकी हूँ, जैसा कि मैंने बोला कि मैं लास्ट 2 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। इवन मैं इसे जब लगाती हूँ तो मैं कभी कभी भूल भी जाती हूँ कि मुझे पीरियड हुआ है। आराम से आपका फर्स्ट डे है, कुछ भी है, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। आपको मैरिज अटेंड करनी है, घर की कोई शादी है, तो बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलने वाला है। और ये जो इसका वाइट पार्ट है ये अप्लीकेटर है, मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था, ये वजाइना में नहीं जाएगा, इसको आपको फेंक देना है, यानी कि ये यूज़लेस है। और ये हमारा जो है, मैंने आपको पहले भी दिखाया, ये हमारा टैम्पॉन है हम जो वेजाइना के अंदर जाएगा, तो ये हमारी पूरा इस तरह से सेट होगा। बिल्कुल भी ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये मतलब वेजाइना में खो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं खोएगा, क्योंकि जो पार्ट है हमारा ऊपर का उसमें सिर्फ सीमन और ब्लड निकलने का हीरा, सीमन जाने का रास्ता है और ब्लड निकलने का रास्ता है। ये टैम्पॉन्स FDA अप्रूव्ड हैं, CE सर्टिफाइड हैं। मैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आपको यूज़ करने को नहीं बोलती जो किसी तरह से भी सर्टिफाइड नहीं हो, गवर्नमेंट अप्रूव ना हो। मैं पूरी तरह से ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ जो वाकई में काम करे और सच में अफोर्डेबल भी हो, काम भी करे और इजी भी हो। तो इसलिए मैं एवरटीन का टैम्पॉन यूज़ कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो अच्छी चीज़ यूज़ करूँ और आप लोगों के लिए इसीलिए मैं सजेस्ट भी अच्छी ही चीज़ कर रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ इसका एक छोटा सा डेमो। तो ये वर्क मैं बता रही हूँ, एक कप में जैसे इसमें धीरे धीरे पानी पड़ता है, ये देखिए, देख रहे हैं आप, इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ कि जैसे जैसे इसमें पानी पड़ेगा ये फूलता जाएगा, ये इस तरह से फूल जाएगा।
तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे होगा, क्या होगा, वर्क करेगा नहीं करेगा। तो डेमो इसलिए भी देना जरूरी होता है ताकि आपको लगे कि सच में काम करता है। और मैंने यूज़ किया है पर्सनली, तो इसीलिए मैं आपको भी बताती हूँ कि आप यूज़ करिए। और ये इसी तरह से फूल जाएगा, जब ये पूरा हो जाएगा आपको सेंसेशन सी होगी। और 5-6 आवर्स, मतलब आप एक अंदाजा लेके चलिए 5 से 8, और रात में भी आप इसे लगा के सो सकते हो, बिल्कुल भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको है कि नहीं है। तो इस तरह से ये जो है आपका है। चलिए आगे मैं बताती हूँ कुछ डू एंड डोंट्स, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपके मन में सवाल क्या है, तो चलिए वो बताती हूँ। आसान है इसे लगाना, हर जो भी लड़कियां हैं जैसे अभी न्यू हैं उन्हें नहीं पता है, तो एक चीज मैं फिर से यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी कि हर लड़की के नीचे के पार्ट में आपके 3 ओपनिंग होती हैं। एक ओपनिंग जो आप यूरिन पास करते हो, एक ओपनिंग जिससे आप स्टूल पास करते हो, एक ओपनिंग जिससे आपका मंथली पीरियड आता है, जिससे आप बेबी बॉर्न करते हो, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आप नहीं समझ पाते हो, अभी आप टीन एज के हो, तो आप क्या करो, वॉशरूम में जाओ, एक मिरर लो, मिरर को आप नीचे लगा के देखो और देखो कि आपकी 3 ओपनिंग है, और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको टैम्पॉन कहाँ पे यूज करना है, आपको मेंस्ट्रुअल कप यूज कहाँ करना है। क्योंकि सैनिटरी पैड्स में ऐसा नहीं होता है, जस्ट आपने लगाया किसी भी ओपनिंग से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आप टैम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हो तो उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि किस पार्ट में आपको टैम्पॉन इंसर्ट करना है। तो आप मिरर के थ्रू देखिए और देखिए कि किस पार्ट से आपको जो है वो करना है। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हो। डू एंड डोंट सबके साथ होते हैं। तो जैसे कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि क्या टैम्पॉन यूज करके हम अपनी वर्जिनिटी खो सकते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप वर्जिनिटी खो गया, फ्री होके इसे यूज कर सकते हो। लेकिन इन केस अगर आप मन में आ रहा है तो आप शादी से पहले इसे मत यूज करो, आफ्टर मैरिज यूज करो, ठीक है। सेकेंड चीज, अगर आपको लगता है कि क्या टैम्पॉन जब मैं लगाती हूँ उसके बाद हम इंटीमेट हो सकते हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो बिल्कुल नहीं। आप जब भी टैम्पॉन यूज करो आप इंटीमेट नहीं हो सकते हो, टैम्पॉन निकाल के उसके बाद ही इंटीमेट हो सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो लोगों के मन में सवाल आते हैं और क्या कैसे करना है। जैसे कुछ लोगों के मन में आता होगा कि हम रात में इसे लगा के सो सकते हैं, तो बिल्कुल रात में लगा के आप इसे सो सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि 7 to 8, मतलब 8 आवर इसका पीक पॉइंट है, इसके बाद आपको नहीं यूज करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका एक माइनस पॉइंट है, मतलब माइनस नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा इसे ध्यान ये रखना होता है कि अगर 8 आवर के बाद से ज्यादा आपने इसे यूज किया तो एक होता है शॉकिंग सिंड्रोम करके, शॉक सिंड्रोम करके एक बीमारी होती है, वो आपको हो सकती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि टैम्पॉन यूज करना काफी अच्छा है। मैं बोलती हूँ ना कि डू डोंट्स और अच्छा माइनस और प्लस सबके साथ होता है, तो टैम्पॉन के साथ भी ऐसा है, माइनस प्लस सबके साथ है। तो आपको क्या करना है, 8, वैसे तो कोशिश करिए मैं 6 आवर्स का टाइम लेके चलती हूँ। आप पैड भी 2 बार ही चेंज करते हो, मेंस्ट्रुअल कप के साथ ऐसा कुछ नहीं है, मेंस्ट्रुअल कप आपको एक सेंसेशन सी होती है कि हाँ मेरा भर गया है, तो आप वो यूज करने लगते हो। तो इसके साथ भी 7 to 8 पीक पॉइंट है, लेकिन 6 आवर के बाद आप इसे बिल्कुल छोड़ दो। ट्रैवल वालों के लिए, घर में, मतलब जिनमें हर टीन एज के लिए, अगर आपको लगता है कि अभी आपकी बेटी छोटी है और वो पैड नहीं कैरी कर सकती है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा सा ऑप्शन है। अदर जो आते हैं टैम्पॉन वो छोटे से होते हैं, एप्लीकेटर नहीं होता है, इसीलिए मैंने एवरटीन का यूज किया, बिकॉज ये एप्लीकेटर के साथ है। और मतलब मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा प्रोडक्ट मिल गया है, और अब फ्री होके मैं कहीं भी घूम सकती हूँ। जैसे कुछ लोगों के साथ होता नहीं है कि आज आपको कहीं शादी में जाना है और आपका पीरियड हो गया, आप पूरा मूड स्पॉइल कर लेते हो और कहते हो मैं नई ड्रेस नहीं पहनूंगी, लेकिन टैम्पॉन के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप टैम्पॉन यूज करते हो तो पीरियड चाहे एट टाइम आपको आ जाए, घूमने के 5 मिनट पहले आ जाए, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्यों होने नहीं, क्योंकि होने वाली, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास टैम्पॉन है। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो भर भर के लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रोडक्ट का लिंक मैंने नीचे दे दिया है। इस प्रोडक्ट का लिंक इसलिए भी मैंने नीचे दिया है कि जो भी फर्स्ट टाइम टैम्पॉन यूज करने जा रहे हैं वो पूरी तरह से सर्टिफाइड प्रोडक्ट यूज करो, बिल्कुल भी स्मेल, मतलब कि फ्रेग्रेंस वाला प्रोडक्ट ना यूज करें, जो उसकी ओरिजिनल स्मेल है, यानी कि उसमें बिल्कुल भी केमिकल्स नहीं यूज हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोग, ऐसा ही प्रोडक्ट आप यूज करो, क्योंकि मैं इसे यूज कर चुकी हूँ अपने 2 पीरियड्स में, यानी कि 2 महीने के पीरियड्स में मैं इसे यूज कर चुकी हूँ, और अब मेरा ये लविंग प्रोडक्ट है जिसे मैं कभी नहीं छोड़ने वाली। हाँ, इसके बाद शायद कोई और इनोवेशन हो जाए तो मैं वो यूज करूँ। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ इसी तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ आप लोगों के साथ, बहुत ही अच्छी चीज़ें जो मार्केट में नहीं आती हैं उनके साथ, और बहुत सारे वेट लॉस टॉपिक के साथ।